आज की वीडियो में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजिंग हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जा सकता है। आज इस वीडियो में क्या चेंजिंग हुए उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पूरी एंड तक देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 29 जुलाई बुधवार के दिन दो बड़े डिसीजन लिए। सबसे पहला, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD को बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया, और दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए हमारे देश में कुछ डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, और स्कूल लेवल से लेकर ग्रेजुएशन तक क्या चेंजिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। स्कूल लेवल पर जो भी चेंजिंग है सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था कि 10th कीजिए, इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, फिनिश, 10+2+3 था, जो कि अब चेंज होकर हमारा 5+3+3+4 हो गया है। इसमें आपका 5 साल का फाउंडेशन एजुकेशन है, और 3 साल का प्रिपरेटरी है, और 3 साल का मिडिल, और 4 साल का सेकेंडरी लेवल पर स्कूलिंग कराई जाएगी। बच्चे जो है 6 साल की उम्र में वे पहली कक्षा की पढ़ाई शुरू करेंगे, और 6 साल से लेकर 16 साल की उम्र में कक्षा पहली से 8वीं तक, 10वीं तक की जो पढ़ाई होगी, और 16 साल से लेकर 18 साल के उम्र में 11वीं 12वीं की पढ़ाई शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स को सभी सब्जेक्ट में 2 लेवल के ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में CBSE ने अभी हाल ही में दिया था कि वो मैथ्स में 2 लेवल का ऑप्शन दिए थे, बेसिक और स्टैंडर्ड। इस तरह मैथ्स से स्टार्ट करके आप सब सब्जेक्ट में हम लोग अपना ऑप्शन ले सकते हैं, वो अपने इच्छा के अनुसार वो एक ऑप्शन च्वाइस करके वो स्टडीज कर सकेंगे। स्कूल में बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक उसके अपने रूरल लैंग्वेज, मातृभाषा और गृह भाषा में पढ़ाया जाएगा, स्टडीज कराया जाएगा। हालांकि 8वीं और उससे आगे की कक्षा के लिए भी अपनाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है। पहले क्या, अब पहले था कि हमें 6th क्लास से कुछ नहीं सिखाया जाता, ना कि हमें अच्छे से कंप्यूटर स्किल के बारे में बताया जाता था, लेकिन अब तो कोडिंग, वोकेशनल और भी बहुत सारी चीजों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। अब क्या है कि पहले बोर्ड एग्जाम को, अब बहुत हार्ड था, बोर्ड एग्जाम को थोड़ा इजी किया जाएगा, और उसमें कोर कॉन्फिडेंस परख की जा सकेगी। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पर हमारा आधारित रहेगा, और इसमें क्या, बच्चों को साल में 2 बार एग्जाम ऑफर किया जाएगा, जिसमें कि वह किसी एक का ऑप्शन कर पाएंगे स्टूडेंट। परफॉर्मेंस असिस्टेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसे परख कहा जाता है, इसकी स्थापना की जाएगी, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का काम करेगी। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए साल में 10 दिन बैगलेस होंगे, मतलब उसको कि बैग लेके आना ही नहीं है, उसके लिए उसे वोकेशनल, कोडिंग और भी जो प्रैक्टिकल चीजें कराई जाएंगी। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम लोग स्कूल में सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, तो उससे क्या हमें सीख आएगी, हमें प्रैक्टिकल ज्यादा करना चाहिए, जो कि हम लोग ग्रेजुएशन की बात करते हैं, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें हमें ये सब सिखा दिया जाएगा। अब देखिए कॉलेज लेवल पे क्या चेंज हुए उसको जान लेते हैं। कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें सीट की तरह एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसे NTA के द्वारा। अब ये NTA ये है कि टेस्टिंग एजेंसी है, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और देश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए हमें NTA द्वारा एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार दे रहे होंगे। इसमें बैचलर डिग्री की 4 साल की जाएगी, हालांकि 3 साल का भी ऑप्शन होगा। जो स्टूडेंट बीच में अपने कोर्स को ड्रॉप करेंगे, उन्हें क्रेडिट ट्रांसफर करके 1 साल के ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरा करने का मौका मिलेगा। 12th के बाद कॉलेज लेवल पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ईयर के जो बैचलर डिग्री में पहला साल पूरा करेगा उसे सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, और तीसरे साल में बैचलर डिग्री जो हमारा है बैचलर सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो 4ों साल पढ़ेंगे उसे रिसर्च और बैचलर डिग्री मिलेगी, और यानी मल्टीपल एंट्री के बाद हमें एग्जिट का भी ऑप्शन रहेगा। आप एंट्री भी कर रहे हैं तो आपको एग्जिट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। और पहले क्या है कि अभी के दौर में भी बहुत सारे लोग कहते हैं क्या, उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो 1 साल पढ़ते छोड़ देते और कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो 2 साल के बाद छोड़ेंगे उन्हें डिप्लोमा। इसी तरह हमें, लेकिन हमें कुछ स्कोर्स का सर्टिफिकेट तो मिलेगा। और अगले 15 ईयर्स में जो है हमारे 15 साल में डिग्री, कॉलेज को डिग्री मिलेगी, जिससे कि उसे यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी दर्जा ही खत्म कर दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में फीस कैंप भी लगाने की कहा जाएगा, जिससे कि हमें एकदम लो फी तय की जाएगी, और वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी को हमारे इंडिया में आने का परमिशन दिया जाएगा, और हमारे जो इंडिया के जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसे वर्ल्ड वाइड बनाने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। और हमारी सरकार ये भी कह रही है कि 2040 तक सभी हायर एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, नेचर कैंपस और यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल पर स्थापित किया जाएगा।
तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग हुई है। बिल्कुल आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।